हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू MBBS डायरीज। आई नो लॉन्ग वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी होता है तो रेगुलरली लाऊं। ठीक है, देखते हैं डेली व्लॉग बना पाई तो डेली व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लाइक कोल्ड एंड कफ हो गया है, उसकी वजह से आवाज़ भी थोड़ी ख़राब आ रही है। एनीवेज, आपको बताती हूँ इंटर्नशिप कैसी चल रही है। आई नो यू गाइज आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि इंटर्नशिप में क्या होता है, कैसे होता है। तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 तारीख को मेरा रिज़ल्ट आया था एंड 6 मार्च से हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली थी। ये हमारे पास मैसेज आ गया था क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद कॉलेज की तरफ से नोटिस आते हैं कि किस डेट से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है। तो 6 मार्च से ऑफिशियली हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली थी क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गया था एंड 1-2 दिन चाहिए थे ग्रुप्स बनाने के लिए। अब देखो, जो MBBS होता है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़े होते हैं, लाइक बहुत सारे मेडिसिन होता है, ऑप्स कहीं नहीं होता है, सर्जरी होता है, PSM होता है, फॉरेंसिक्स होता है, ENT होता है, ऑप्था होता है एंड और भी बहुत सब्जेक्ट्स होता है। तो अब इन सब सब्जेक्ट्स में डिवाइड होंगे हम, ग्रुप्स में डिवाइड होंगे एंड एक ग्रुप की किसी जगह पोस्टिंग लगेगी, एक ग्रुप की फॉर एग्जांपल सर्जरी में, एक ग्रुप की ट्रॉमा में, एक की मेडिसिन में, एक की PSM में। तो इसी तरीके से हमने हमारे ग्रुप्स बनाए जो कि हमारी चॉइस थी कैसे बनाएंगे एंड 4-4 के ग्रुप्स बने, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें एक लिस्ट आ गई कि किसकी पोस्टिंग कहाँ है, कितने दिनों के लिए। सो जो मेरा ग्रुप है उसके 3 महीनों के लिए, लाइक PSM की जो पोस्टिंग होती है वो सबसे लंबी होती है, 3 महीने की PSM की पोस्टिंग है। PSM इज़ बेसिकली कम्युनिटी मेडिसिन, ओके। तो मेरी पोस्टिंग वहाँ पे लगनी स्टार्ट हुई। इसमें हमें क्या करना होता है, डेली सुबह उठते हैं, 9 बजे कॉलेज पहुँचना होता है, कॉलेज से बस जाती है हमें लेके तिलक नगर। तो दिल्ली में तिलक नगर बेसिकली ना कम्युनिटी मेडिसिन, तो हमें कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करना है। तो एक रूरल एरिया में हमें जाना है, कंपैरेटिवली जो थोड़ा रूरल है, जो थोड़ा सा मतलब जहाँ पे PHCs हों, तो ऐसी हमें जगह पे जाना है जो बैकवर्ड क्लासेस को थोड़ा केटर करती हो ताकि वहाँ के हम नीड्स वगैरह समझ सकें। तो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है तिलक नगर में, इवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मैंने सोचा था छोटा सा हॉस्पिटल होगा लेकिन उधर बहुत सारे स्पेशलिटीज़ हैं। तो हॉस्पिटल का नाम है माता गुजरी हॉस्पिटल, वहाँ पर हमारी पोस्टिंग है। तो मेरी जो फर्स्ट, अब वहाँ पर भी क्या है ना, डिपार्टमेंट्स है, लाइक मेडिसिन है, सर्जरी है। तो 1 हफ्ते मेरी फ़र्स्ट जो वीक गया वो मेडिसिन में गया एंड यार मैंने रियलिटी देखी कि इतना रश होता है एंड लोगों को समझ थोड़ी सी कम होती है, लाइक थोड़े कम एजुकेटेड होते हैं ना तो उनको नहीं समझ में आती हैं चीज़ें उतनी इजीली एंड इतनी लंबी लंबी लाइन होती है कि हर पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइम देना, एक एक चीज़ डिटेल में समझाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने वहाँ बैठ के लाइक बहुत ऑब्जर्व करा, हमें डॉक्टर के जस्ट साइड पे बैठना होता है, लाइक किसी का BP मेजर कर दिया, एंट्रीज़ करनी होती हैं, किस पेशेंट को क्या दे रहे हैं, किस कंप्लेंट पे क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे डायग्नोसिस करनी है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करनी है। लेट अस से वहाँ पे मेडिसिन में जिस रूम में मैं पोस्टेड थी उस रूम में ज़्यादातर हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के पेशेंट्स आ रहे थे। तो पता है हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ इतना ज़्यादा आजकल कॉमन होता जा रहा है, लाइक लोगों की सालों साल से वही दवाइयाँ चल रही हैं। तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में ऑफकोर्स आप BP देखोगे, अगर आपने जो मेडिकेशंस दे रखी है उससे उसका BP कंट्रोल है तो सेम मेडिसिन आप जो है प्रिस्क्राइब करोगे, या फिर अगर BP फिर भी बढ़ा हुआ आ रहा है तो मे बी आपको दवाई चेंज करनी हो या उसका डोज बढ़ाना हो। तो ये सब हो रहा था। तो 1 हफ्ते मेरी मेडिसिन की पोस्टिंग रही एंड अब 2 दिन से मेरी पीरिया में लग गई है पोस्टिंग, लाइक 1 हफ्ते बाद मेडिसिन इज़ ओवर वहाँ पे एंड अब मैं जाती हूँ तिलक नगर में ही। ऊपर एक दूसरा लाइक स्पेशलिटी है पीरियाट्रिक जो कि बच्चों का डिपार्टमेंट होता है, अब मैं वहाँ जा रही हूँ। एंड पीरियाट्रिक में ना मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी जो कि ये थी कि हर माँ की कंप्लेन होती है हमारा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, कुछ खाता ही नहीं है। इवन दो लाइक बच्चे का जो वेट है ना, फॉर लेट्स से कि उसका होना चाहिए 15 किलो या 14 किलो, फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 1 साल के बच्चे का जो वेट है ना वो 9 किलो होना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। 1 साल के बच्चे का 9 किलो वेट होना चाहिए, इसी तरीके से 2 साल के बच्चे का 12 किलो वेट होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन होते हैं एंड उसी के बेसिस पे मैं बता रही हूँ, 1 साल का बच्चा है तो 9 किलो वेट इज़ वेरी गुड, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। अब मान लो 1-2 साल का बच्चा आ रहा है उसका 15 किलो वेट है एंड फिर भी माँ कह रही है कुछ खाता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि हवा से थोड़ी ना वेट बढ़ रहा है, खा तो रही है। लाइक एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, माँ को लगता है कि बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है,
ठीक है, अभी मैं आपको इंटर्नशिप के बारे में बता रही थी। तो ये हॉस्पिटल की फुटेज है जो अभी आप देख रहे हो। अंदर यार मैं कुछ भी शूट नहीं करती हूँ, एक तो इतनी भीड़ रहती है, तो आप ऐसे में देखो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगेगा अगर आप कैमरा निकाल के पेशेंट्स वगैरह को रिकॉर्ड करोगे, एंड इट्स अनएथिकल टू। तो मैं कोशिश करूँगी कि जब थोड़ी कम भीड़ हो, मैं अकेली बैठी हूँ, तो थोड़ा बहुत खुद को ही शूट कर लूँ, बाकी या फिर कोई रेयर डिजीज़ है जो मैंने देखी नहीं है तो उसकी मैं फ़ोटो या वीडियो अपने पास रख लूँ, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ मैं वहाँ शूट नहीं करती हूँ, बहुत रश होता है यार, बहुत ही भीड़ होती है। आपने भी देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर कितनी भीड़ होती है, आपके आस पास कोई PHC होगा, बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। अब ये जो फुटेज आप देख रहे हो ना, ये वापसी की है, तो हमें बस वहाँ तिलक नगर छोड़ती है और 10 बजे 10:15 बजे हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर बैठते हैं, एंड वहाँ से हम 12:30 1 बजे वापसी के लिए भी बस में बैठ जाते हैं। आज मेट्रो से आ रही हूँ क्योंकि बस जो थी वो बीच में ही चली गई थी, उसको कॉलेज में कुछ काम था तो हमें मेट्रो से वापस आना था। एनीवेज़ ये जो अलग अलग दिन की मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस रिकॉर्ड करी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं मेरे पास दिखाने के लिए, हॉस्पिटल के अंदर मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, मैं तो सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि सुबह तैयार हो रही हूँ, फिर जा रही हूँ हॉस्पिटल, पहुँची, वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, फिर वापस आते वक्त रिकॉर्ड कर देती हूँ। एनीवेज़ मैं आपको बताती हूँ, बेशक हम वहाँ 2-3 घंटे बैठते हैं लेकिन इतना कुछ सीखने को मिलता है, लाइक रियल लाइफ में क्या चल रहा है, एंड एक डॉक्टर कैसे पेशेंट को क्वेश्चन पूछता है, कैसे चीज़ें प्रिस्क्राइब करता है, कैसे इन्वेस्टिगेशंस लिखता है, एंड कैसे डिजीज़ को बेसिकली डायग्नोज करते हैं सब कुछ रूल आउट करके। तो ये सब कुछ जब अपनी आँखों से देखते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, लाइक मैं इन चीज़ों से एग्जॉस्ट नहीं होती। वैसे तो 2-3 घंटे ही जाना होता है, लेकिन 2 बजे तक तो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं हम, तो अभी तक तो बहुत चिल सीन है, क्योंकि मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक में नाइट ड्यूटीज़ नहीं लगती हैं या 24 आवर ड्यूटी नहीं लगती, इसलिए थोड़ा चिल सीन है। जब नाइट ड्यूटीज़ या 24 आवर ड्यूटी लगने लगेगी ना, तो तब मैं अलग जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। एनीवेज़ आज ये जो फुटेज है ये है सैटरडे की, अभी जो आपके सामने चल रही है, एंड सैटरडे तक तो मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, लाइक मेरे को हैंकी कैरे करना पड़ रहा था पूरे टाइम, मुझे कोल्ड एंड कफ काफ़ी हो गया था, एंड ये मैं एक चार्ट पढ़ रही थी जो सर ने मुझे बोला था, लाइक जिन सर के साइड में मैं बैठती हूँ पीडियाट्रिक, वो पीडियाट्रिशियन है, एंड उन्होंने बोला था ये वेट देख लो एंड इनको याद कर लो कि कितने साल का कितने महीने के बच्चे का कितना वेट होना चाहिए, तो ये बैठ के मैंने याद करे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा। एंड वेट इसलिए भी ज़रूरी होता है कि दवाई का कितना डोज देना है, क्योंकि वेट के हिसाब से हमें डोज देना होता है। एनीवेज सर ब्रेक पे गए थे तो मैंने थोड़ा सा खुद को रिकॉर्ड करा था यहाँ पे, एंड फिर थोड़ी देर बाद कुछ छुट्टी हो गई थी तो अब मैं वापस जा रही थी अपनी बस के अंदर। एक्सपीरियंस ओवरऑल इंटर्नशिप का इज़ नाइस, एंड काफ़ी फ्री टाइम भी है मेरे पास, तो इसीलिए आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट भी की है कि मेरे से क्वेश्चंस पूछो। डेली लॉन्ग वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी, एंड एक शॉर्ट्स आएगी ही जो हमेशा से आती जा रही है, और लॉन्ग वीडियो भी लाऊंगी। एंड ये हमारी बस है जिसमें सब आके बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि फटाफट से ड्राइवर आए, और हमारे साथ मैम भी होती है PSM की। सो दैट्स अबाउट इट, एंड लेट मी नो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, मैंने ओवरऑल सब कुछ बता दिया है क्या चल रहा है लाइफ में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डेली व्लॉग बनाने की कोशिश करूँ या ना करूँ वो भी बताना, बहुत ज़्यादा कुछ तो चल नहीं रहा है लाइफ में, लेकिन जो भी चल रहा होगा, जो जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी, और जो पोस्ट किए ना उस पर कॉमेंट करके आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछ सकते हो। सो बाय।